वेलकम गाइस। तो भाई यहाँ पर अपना आईपीएल का इवेंट जो है हमने शुरू किया है क्रिकेट 22 के अंदर। तो अपना मैच जो है आज कोलकाता नाइट राइडर और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के दरमियान है। तो भाई ये आ गई है पिच की कंडीशन, और यहाँ पर जो है आरसीबी के अंदर जो है वे अपना शाहीन शाह अफरीदी जो है कैप्टन है, और एक एक खिलाड़ी जो है ना हर टीम के अंदर पाकिस्तान मौजूद है। तो भाई टॉस की तरफ चलते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं टैग। शाहीन शाह अफरीदी ने टैग बोला और भाई टॉस हम जीत गए हैं, और पहले हम कर लेते हैं यहाँ पर बैटिंग करते हैं भाई। तो बैटिंग करते हैं और चलते हैं फिर बैटिंग लाइन की तरफ, क्योंकि बॉलिंग आज फर्स्ट टाइम में चेंज करने के अपना रिपीट करेंगे। तो वही चलते हैं, काफी सी यहाँ पर सामना करेंगे। मिच्छल स्टार जाने दिया भाई, पहली बॉल बाउंसर यहाँ पर मारा मिच्छल स्टार ने। भाई मिच्छल स्टार इस टाइम जो है केकेआर के सबसे महंगे तरीन वाइबल के, सुना है कि आईपीएल के सबसे महंगे तरीन जो है ना सबके बॉलर है भाई। तो भाई तो चलते हैं दूसरी बॉल अच्छी यहाँ पर भाई, बहुत ही तेज शॉट डबल रन यहाँ पर बॉल करी है उमापिपी ने। तो तीन रन हम ले सकते हैं यहाँ पर भाई, अगर यहाँ पर दो रन लेना ही जीतता, क्योंकि बहुत बड़ा मैच है भी तो आहिस्ता आहिस्ते इसको लेकर चलते हैं भाई। डुप्लीसी यहाँ पर सामना करने वाले थे, डुप्लीसी और मिच्छल स्टार्क। अच्छा शॉट है भाई, एक रन आराम से हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो भाई ये है दिनेश कार्तिक, दिनेश कार्तिक यहाँ पर आ गए हैं भाई। एक दो मैच मैंने खेले थे, मतलब वो ऐसे ही सिंगल वाले तो टूर्नामेंट से हटकर थे। तो अब जो है बड़ा ही गेम है, एक इवेंट स्टार्ट कर दिया यहाँ पर, जो आईपीएल की 24 वाला एडिशन होगा, और जो उसके अंदर लाइनअप है उसके हिसाब से जो है तमाम खिलाड़ियों को हेड किया हुआ है, और हर टीम के अंदर एक एक पाकिस्तानी प्लेयर भी उसमें ऐड है भाई। ये एक पहला इनिंग का चौका, तो यहाँ पर नहीं कहेंगे स्कोर, तेज भागना पड़ेगा भाई। यहाँ पहुंच गए हैं चक स्टार, तो भाई यहाँ अपन को ये एक छह मारना पड़ेगा ओवर का। लो तो भाई छह मारने के लिए जा रहे थे मगर विकेट दे दिया, पहला विकेट मिच्छल स्टार्क ने लिया यहाँ पर दिनेश कार्तिक का। गेम में खेलना चाह रहे थे मगर फील्डर यहाँ पॉइंट पर मौजूद थे, और इजी कैच यहाँ पर दिनेश कार्तिक ने दे दिया है। तो विराट कोहली आए हैं भाई, विराट कोहली, और ये कौन है भाई, विवाहा अरोड़ा। ओहो व्हाट अ स्टार्ट भाई, फुल टाइम पहली बॉल पर सिक्स, क्या ही स्वागत किया है बॉलर का हमने यहाँ पर। तो भाई ये अच्छी शुरुआत यहाँ पर फाफ डुप्लीसी की। ओए होए भाई, फुल टाइम जो है ना धोखा दे दिया, मतलब स्लो डिलीवरी यहाँ पर बॉलर ने दी, मतलब जो एक अकलमंद बॉलर जो कर रहा होता है ना सेम वही चीज़ की है। ओए होए 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 भाई, लगातार दो बोले डॉट, अच्छा कमबैक यहाँ पर पहली बॉल पर सिक्स खाने के बाद जो है ना बहुत अच्छा ही कमबैक यहाँ पर किया। तो गाइस अब देखते हैं थोड़ा सा, अब हम जो है ना स्लो सिंगल की तरफ चलते हैं, और भाई एक गैप शॉट है और यहाँ पर कंफर्म चौका एक भाई, अच्छा यहाँ पर अब तक हमारे लिए ओवर साबित होता हुआ। डुप्लीसी की क्या खूबसूरत टाइमिंग यहाँ पर मारी है भाई, पावर प्ले का फायदा उठाते हुए एक लगा दो चौके हमने यहाँ पर मार दिए हैं, चार गेंदों पर 10 रन यहाँ पर। और एक और स्लो डिलीवरी जिसका मुझे एक लग रहा था मगर बॉल आगे नहीं थी, मुझे रिस्की एक शॉट था तो नहीं लग पाया। बे शिट भाई, डुप्लीसी यहाँ पर अपने बहुत गलत शॉट मैंने खेल दिया भाई,
चैलेंज नहीं करेंगे भाई, एज लगा है बताए। और आसान सा कैच यहाँ पर ये देखें भाई, बहुत बाहर की बॉल थी, कट खेलना चाह रहे थे मगर आउट हो गए। चले भाई पॉप डुप्लेसी भाई 9 गेंदों पर 13 रन, 1 चौका और 1 छक्का और उनकी इनिंग हो गई तमाम। और यहाँ पर भाई आसिफ अली आया भाई, शहीन शाह अफरीदी ने भरोसा किया है आसिफ अली को जो है अपनी टीम में रखने के लिए। तो यहाँ पर सामना करेंगे विराट कोहली भाई, मिचल स्टार्क और नो भाई तेज वापसी। अच्छा यहाँ पर जो है ये खेलना चाहते थे कोहली मगर खेल नहीं पाए। ओ नो 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 नो, अब क्या कंफ्यूजन कर दी है यहाँ पर कोहली के लिए। तो भाई यहाँ पर जो है मैच थोड़ा सा मुश्किल में जाता हुआ क्योंकि हमें जो और भाई साहब क्या कैच पकड़ा यहाँ पर कोहली का भाई जी, यहाँ पर कोहली भी आउट हो गए हैं। यॉर्कर लेंथ पे बॉल दिया और थर्ड मैन पर जो है अच्छा कैच यहाँ पर पकड़ा है भाई, क्या खूबसूरत कैच यहाँ लिया भाई ये देखिए। और भाई रदरफोर्ड है ये जिन्होंने कैच पकड़ा है भाई, अंधी में भागते हुए आए और कैच पकड़ लिया। तो भाई यहाँ पर डक पर जो है विराट कोहली अब जाते हुए, अब हम ले आते हैं भाई यहाँ पर रजत पतिदर को, अभी लेते हैं ग्लेन मैक्सवेल को पीछे रख लेते हैं क्योंकि मैक्सवेल जो है मैच को पलटने वाले बैट्समैन हो जाए, तो हम उनको थोड़ा सा पीछे खिला लेते हैं भाई। वही अब तक अच्छा और 3 बॉल पे कोई स्कोर नहीं दिया यहाँ पर स्टार्क ने और 1 विकेट भी गिरा दिया है। और भाई यहाँ पर सिंगल ही बन पाएगा, एक सिंगल यहाँ पर हमने लिया। तो भाई कोई बात नहीं, ये पहला मैच जो है हमारा कोलकाता के होम ग्राउंड में है। तो भाई पतिदर यहाँ पर आए हैं, चल स्टार्क बॉलिंग पर, अच्छा शॉट, 4 रन हो जाएंगे भाई बाउंसर करने के बाद। एक बाउंसर मारा था यहाँ पर स्टार्क ने और फायर वार्निंग देते हुए एक अलाव यहाँ पर चल स्टार्क को। भाई साहब एक और सिंगल यहाँ बना है भाई, 3 जो एक हमारे एक मैन प्लेयर थे जो कि फाफ डुप्लेसिस, दिनेश कार्तिक और विराट कोहली साहब, तीनों जो है हमारे आउट हो चुके हैं। और भाई अच्छी यॉर्कर यहाँ पर, तो भाई नो बॉल यहाँ कर दी है भाई, तो फ्री हिट मिलेगी इसका। हम जो है हम यहाँ पर जो है भरपूर फायदा उठाने वाले हैं फ्री हिट का, देखते हैं भाई बॉलर क्या बॉल डालने वाला है। और जी यह बॉल यहीं खड़ी हो गई है और 1 रन यहाँ मिल जाएगा हमको। टाइम नहीं कर सके बैट को, बॉल को सही तरह जो है ना इसको हम 6 फेंक सकते थे। और भाई क्या खूबसूरत कट यहाँ पर मोहम्मद आसिफ अली का, तो पहला चौका यहाँ पर आसिफ अली ने अपनी इनिंग का लगाया। इशारा 4, तो भाई जी आसिफ अली, ओ हो 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 हो, डॉट बॉल, nothing elegant about that shot, it's not timing it at all, it's a poor play. एक और कट शॉट यहाँ पर, तो भाई ये भी चौका हो गया है आसिफ अली का। तो भाई सुकून से थोड़ा सा खेलने का गेम है अभी, हम लीडिंग पर जाएंगे मगर 7 ओवर के बाद कोशिश करते हैं कि भाई 7 ओवर तक जो है ना इन दोनों की एक अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पर लगा दे और सिंगल डबल से जितना भी स्कोर या बाउंड्रीज से, ओ हो हो, जितना अगर हमें बॉल पर मतलब स्कोर मिलता जाएगा हम वो बनाते हैं।
पांच गेंदों पर 9 रन आसिफ अली के हैं और पतिंदर की 4 गेंदों पर 6 रन। तो भाई एक और डॉट बॉल अरोड़ा जो है रोड़ा बन चुके हैं हमारे लिए। ओहो एंडर रसल आए हैं भाई, एंडर रसल, एंडर रसल तो भाई बिल्कुल सेम बनाया हुआ है, बाल बाल भी बीच बीच गए हुए एंडर रसल ने। तो भाई स्वागत किया एंडर रसल का, यहाँ पर बॉल हवा में और 6 रन। अच्छा यहाँ पर शॉट भाई पहला, खूबसूरत टाइमिंग के साथ 6, बढ़िया यहाँ पर पहला 6 लगा दिया। तो भाई कैप्टन ना कुछ दिखाई देते हुए कि भाई पहली बॉल पर ही आपने 6 खा लिया। और एज लगा तो तेज भागना पड़ेगा आसिफ को यहाँ पर, और भाई आउट हो बच गए यहाँ पर, एज लगा था। भाई यहाँ पर आसिफ अली का चौका, एक एंडर रसल को एक और, भाई यहाँ पर आसिफ अली ने 3 चौके अपनी इनिंग के लगा दिए हैं। एंडर रसल अब तक हमारे लिए ये अच्छा ओवर रहा है, हमने जो है जहाँ पर रसल को नो और महीने की नहीं। अच्छा यहाँ पर एक तेज स्लो था मगर ओ भाई अच्छी यहाँ पर जो है बॉलिंग एंडर रसल की, यहाँ पर एक अच्छा ओवर उन्होंने यहाँ पर कराया। चक्रवर्ती वरुण चक्रवर्ती आए हैं भाई यहाँ पर बॉलिंग अपना ओवर कराने के लिए, और पतिंदर उनका सामना करेंगे 6 गेंदों पर 13 रन के साथ। यहाँ पर मौजूद एक डॉट बॉल, पहला डॉट बॉल got into position nicely, just too early on the shot and couldn't find it. तो भाई गाइस इस वीडियो के ऊपर जो है 50 उनका टारगेट है लाइक्स का, तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओहो भाई बाल बाल बच गए हैं भाई साहब, स्कोर हमारा बहुत कम है, यहाँ पर हमें 60 प्लस होना चाहिए था और बहुत कम ही स्कोर यहाँ पर हमारा है, और ये एक रिस्की रन हो सकता था और बच गए यहाँ पर भाई, बहुत ही रिस्की रन यहाँ पर। आसिफ अली अब सामना करेंगे भाई वरुण चक्रवर्ती का, अच्छा एक कट शॉट मगर फील्डर यहाँ पर मौजूद थे, अच्छी फील्ड करी और 1 रन यहाँ पर। तो भाई अब तक तो बढ़िया ओवर यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती ने किया है। और नो भाई साहब बहुत ही अच्छा ओवर यहाँ पर, टोटल उन्होंने अभी तक 3 रन दिए इस ओवर में। अनुकुल रॉय ओहो हिट करना चाहते थे भाई यहाँ पर, बाल बाल बच गए आसिफ अली, पहली बॉल पर यहाँ पर उठाकर खेलने की कोशिश की थी। और गैप में 4 होगा यहाँ पर, और फील्डर मौजूद भागते हुए मगर नाकाम रहे बॉल को रोकने में भाई आसिफ अली की, क्या है खूबसूरत टाइमिंग यहाँ पर भाई, ये देखिए इस ओवर के बाद हमें जो है ना फुल पावरफुल हिटिंग वाले शॉट कुछ खेलने पड़ेंगे। और भाई उठा कर खेल दिया एक और चौका,
बयासी वाली यहाँ पर मुंडरियों की यहाँ पर जब नीड है तो यहाँ पर आसिफ अली ने शॉट दिखाया। एक और बढ़िया तीन बॉल पर तीन चौके यहाँ पर लगा दिए आसिफ अली ने। भाई कैप्टन यहाँ पर जो है समझाने के लिए आए हैं बॉलर को कि भाई इतने जो है आपके यहाँ पर शॉट क्यों, जब आपने कोई शेडिंग वेडिंग कर लिए है। तो भाई ये एक और अच्छा शॉट मगर फील्डर यहाँ पर मौजूद तीन चौके लगाने के बाद। और भाई क्या थ्रो लगाया यहाँ पर डायरेक्ट विकेट पे। भाई एक बाउंड्री अगर और हमें मिल जाती है इस ओवर में तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा हो जाता, बट यहाँ पर भाई विकेट गिर गई है। हिटिंग के लिए गए थे और बोल्ड कर दिया भाई, पूरा बीच का गिल्ला यहाँ पर उड़ा दिया भाई। पतीदर जो है आउट होते हुए पवेलियन की तरफ। रजत पतीदर ग्लेन मैक्सवेल को अब हम यहाँ पर लेकर आएंगे क्योंकि उनकी अब हमें बहुत ज़रूरत है। तो भाई नक्की यहाँ पर सामना करेंगे राणा का, हमको राणा जी माफ कर देना। अरे भाई साहब ये तो भाई यहाँ पर हमारे लिए जादू हो गया है। दो रन हमने ले लिए, कीपर खड़े हुए सो रहे थे तो हमने दो रन यहाँ पर बनाए। गेप में है यहाँ पर, दो रन आसानी से बन सकते हैं, कोई फील्डर नहीं है और चार भी हो सकता है तो चौका। भाई यहाँ पर खूब आसिफ अली दबा के चौके मार रहे, छक्का एक भी नहीं मारे जबकि उन छक्कों की एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी। वाइड बॉल, अंपायर का इशारा, हमारा धर्म सिन्हा जो है अंपायर यहाँ पर। और भाई ये पहला सिक्स आसिफ अली का भाई, आउट ऑफ द पार्क, व्हाट अ शॉट, पहला सिक्स, व्हाट अ शॉट बाय आसिफ अली। भाई 39 पर यहां पर आसिफ अली पहुंच चुके हैं और ये एक और अच्छा शॉट, चौका। लाइन लगा देनी है अपन को यहाँ पर। कैप्टन यहाँ पर परेशान है क्योंकि स्कोर उनसे रुक नहीं रहा। लेकिन अब फील्डर मौजूद है तो हम यहाँ पर दो रन तो हम आसानी से ले सकते हैं। भाई तेज भागना पड़ेगा लेकिन, और जी डाइव भी लगा देते हैं। तो भाई 76 अब तक टोटल स्कोर अपना हो चुका है। आसिफ अली जो है 45 पर यहाँ मौजूद है अपनी बारी खेलते हुए और अच्छा बॉल यहाँ डॉट बॉल कर दिया, मगर थोड़ा सा अंदर होता बॉल तो शायद हो सकता था 6 की तरफ। तो भाई रॉय को दोबारा बॉलिंग पर लेकर आ गए हैं, मैक्सवेल उनका सामना करने वाले हैं और मैक्सवेल ने अपना वही रिवर्स स्वीप यहाँ पर और बॉल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। अच्छा रिवर्स स्वीप जो उनका स्टाइल है मैक्सवेल का, उसी स्टार्ट लिया यहाँ पर चौके से। और भाई अबे तो भाई यहाँ पर जो है आसिफ अली आउट हो गया भाई, अपनी 50 बनाए बकैद, 5 रन उनको चाहिए थे, 45 पर आउट हुए, 8 चौके और 1 छक्के की यहाँ पर पारी खेली आसिफ अली ने। भाई अनुज रावत अब आए हैं बैटिंग पर। तो भाई आसिफ अली एक अच्छी बैटिंग यहाँ पर खेल रहे थे। ओहो भाई यहाँ एक डॉट बॉल,
साहब स्कोर बहुत कम है, यहाँ स्कोर बहुत कम है। एक और डॉट बॉल, शोर क्यों कर रही है, शोर क्यों कर रही है। भाई एंडर रसल यहाँ पर आखिरी ओवर डालने के लिए आए हैं, मैक्सवेल को उनका यहाँ पर शॉट लगाया मगर जो है पूरी तरह यहाँ पर बीट कर दिया है। भाई एक बॉल पर एक रन, 82 हमारा टोटल स्कोर यहाँ पर आरसीबी का। और भाई हर बॉल पर यहाँ पर रिस्की रन लेने पड़ेंगे और ये बहुत ही अच्छा डायरेक्ट हीरो मारकर जो है रजत को आउट कर दिया है। ये रिप्ले के अंदर हम देखते हैं भाई ये रन तो नहीं था, बहुत ही रिस्की रन था और यहाँ डायरेक्ट हीरो मार दी और वो पवेलियन की तरफ जाते हुए। तो भाई अनुज रावत भी जो है अंडे पर जाते हुए, करण शर्मा अब आएंगे यहाँ। करण शर्मा हमारे यहाँ पर आ गए हैं, ग्लेन मैक्सवेल सामना करने वाले हैं एंडर रसल का। और जी ये नो बॉल और इसका कोई यहाँ पर कोई फायदा हम नहीं उठा पाए। फ्री हिट, ओहो हो भाई साहब फ्री हिट पर छक्का यहाँ पर भरपूर फायदा उठाया और एंडर रसल को 6 लगाया अपने खूबसूरत स्टाइल में यहाँ पर। भाई 90 स्कोर हमारा हो चुका है अब तक। स्लो डिलीवरी यहाँ पर और ये विकेट हो सकता है भाई। तो पहला विकेट यहाँ पर रसल ने अपना लिया है और जी यहाँ पर एंडर रसल तो भाई एक छक्का खाने के बाद एक विकेट भी उन्होंने ले दिया है। तो भाई मयंक डगर आ गए हैं, डगर जो है सामना करेंगे यहाँ पर एंडर रसल का। इस ओवर में 2 विकेट अपने जा चुके, 1 रन आउट पे और एक जो है और ये एक और रिस्की रन यहाँ पर लिया है। तो भाई आखिरी बॉल ओवर की एंडर रसल डालने जा रहे हैं, मैक्सवेल सामना करेंगे, देखते हैं क्या हो सकता है, क्या बॉल करने वाले हैं। और भाई अच्छा हेड यहाँ पर मैक्सवेल ने उठाकर खेला लेग स्टंप की तरफ, तो एक इनिंग यहाँ पर अपनी और नो बॉल भी कर दी है भाई मैक्सवेल ने। मैक्सवेल को एक और यहाँ पर शॉट लगाने का मौका मिल चुका है, नो बॉल फ्री हिट। और भाई साहब क्या एक और चौका भाई, तो यहाँ पर अपनी पहली इनिंग जो है वो एंड हो गई है और जो है अच्छा यहाँ पर मैक्सवेल ने आखिरी 2 बॉलों के ऊपर 2 बाउंड्री लगा के इनिंग को जो है ख़त्म किया है। तो भाई चलते हैं अब बॉलिंग की तरफ, देखते हैं हम क्या कर सकेंगे बॉलिंग में। तो भाई ये इनिंग ख़त्म हो गई, अपने प्लेयर जाते हुए पवेलियन की तरफ अब रेस्ट करेंगे, रेस्ट के बाद आते हैं जी। तो भाई ये स्कोर कार्ड आ गया है, फाफ डुप्लीसी जो है 13 और दिनेश कार्तिक 2, विराट कोहली डक पे है, आसिफ अली 45, पतीदर जो 14, ग्लेन मैक्सवेल 15 रन बनाकर नॉट आउट है। तो भाई बॉलिंग की तरफ चलते हैं, तो भाई बॉलिंग की तरफ चलते हैं अपने यहाँ पर स्टार्ट आने वाले हैं भाई, ये आ गए हैं फखर जमान, ओहो हो फखर जमान। और यहाँ से भाई अपनी तरफ से आए हैं शाहीन शाह अफरीदी द कैप्टन। तो भाई शाहीन यहाँ पर अपनी पहली बॉल डालने के लिए तैयार है बिल्कुल और फखर जमान उनका सामना करने वाले हैं। तो भाई फखर टू शाहीन और पहला बॉल डॉट यहाँ पर, अच्छा स्टार्ट यहाँ पर शाहीन जी अफरीदी का। मगर जमान अपने वही जा रहे हैं ना शॉट यहाँ पर खेलने के मूड में थे मगर टाइम नहीं कर पाए।
भाई लाहौर कलंदर से फखर जमान और शाहीन शाह अफरीदी खेलते हैं PSL के अंदर। और भाई एक और अच्छा बॉल, डॉट बॉल, 101 टोटल भाई टारगेट यहाँ पर जो है कोलकाता नाइट राइडर को यहाँ पर दिया है। स्लिप एक मौजूद है तो स्लिप का थोड़ा सा फायदा उठवा लेते हैं। और भाई एक रन यहाँ पर, अच्छा स्टार्ट यहाँ पर कोलकाता का, पहला रन। और भाई नीतीश राणा भी लेफ्ट हैंडेड ही है। इनको जो है हम एक स्लो वन डालते हैं यहाँ पर, देखते हैं भाई। और भाई दो तीन बन सकते हैं आराम से, अच्छी फील्डिंग यहाँ पर भाई, 3 रन। कोई 4 गेंदों में 4 रन यहाँ पर, शाहीन शाह आफरीदी बॉलिंग पर मौजूद। थोड़ा सा इधर आउट स्विंग कराते हैं, फील्डर यहाँ मौजूद है भाई, कोई खतरे की बात नहीं है, 1 रन आसानी से बनने दीजिए। भाई लगा था भाई, एज लगा था, अगर एज नहीं लगता तो भाई डायरेक्ट जो है ना आउट कर सकते थे। मोहम्मद सिराज, तो भाई सिराज भाई यहाँ बॉलिंग पर आ गए हैं भाई साहब, दूसरा ओवर डालने के लिए। 1 ओवर में 5 रन यहाँ वो जो है कोलकाता नाइट राइडर के स्कोर अब तक है। और भाई अच्छा शॉट, 1 रन ही मिलेगा केवल यहाँ पर। तो भाई फखर जमान क्रीज पर मौजूद, सिराज यहाँ पर बॉल करने वाले हैं राणा साहब को, राणा जी हम, ओए होए होए होए, डॉट बॉल भाई, अच्छा डॉट यहाँ पर, जितना डॉट हम करेंगे उतना ही फायदा यहाँ पर हमको रहेगा। गुड बॉलिंग, गुड बॉलिंग, शाबा बॉय। जोर कर ले, और भाई आउट कर दिया, किया आउट है अंपायर, आउट, नॉट आउट भाई, अंपायर ने यहाँ पर नॉट आउट दिया है, तो हम क्या करते हैं, नो चैलेंज, चैलेंज नहीं करते हैं क्योंकि अंपायर को थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना चाहिए। कैच श्योर भाई, पहली बाउंड्री यहाँ पर, अच्छी बॉलिंग यहाँ पर कर रहे थे सिराज भाई, पहला चौका यहाँ पर खाया 3 डॉट कराने के बाद। एक और यहाँ पर हम बाउंसर इसको डालते हैं भाई, नीति चिराणा को, ओ बहुत हाई भाई बाउंसर यहाँ मार दिया अंपायर, बेचारा क्या देखा भाई, अलाउ किया है तो भाई ओवर यहाँ पर मोहम्मद सिराज का कंप्लीट हुआ। वही मयंक डगर आ गए हैं बॉलिंग कराने के लिए स्पिनर की तरफ से, अपन जो है फखर जमान को यहाँ पर आउट करने की कोशिश करते हैं फ्लाइटेड डिलीवरी से। और कदमों का इस्तेमाल करके क्या ही ऊंचा सिक्स लगाया भाई फखर जमान ने, भाई कोई जालिमाना एक छे लगाया है, बहुत ही कदमों का इस्तेमाल करके फखर ने अपनी जारिहाना, ये देखे भाई ऊंचा लंबा सिक्स, कहीं से आप देखते ही रह गए हैं भाई। यहाँ पर स्कोर उनको नीड है और हमें विकेट की, और आउट कर दिया भाई, क्या बोलते हैं अंपायर, नॉट आउट। भाई अंपायर ने नॉट आउट दिया था, दूसरा यहाँ पर डालते हैं दूसरा फखर जमान। और भाई एक और खूबसूरत शॉट, 4 रन की तरफ बॉल जाते हुए, और एक बाउंड्री यहाँ पर फखर जमान ने मार दी है। तो भाई केवल 3 गेंदों के ऊपर जो है फखर ने यहाँ पर 10 रन बना लिए हैं, अच्छी बैटिंग यहाँ पर, और बोल्ड कर दिया
बोल्ड कर दिया भाई, यहाँ बॉल अंदर की तरफ घुमाया, पूरी तरह नाकाम रहे भाई बैट्समैन खेलने में। 13 रन बना के बगर जमान पवेलियन की तरफ जाते हुए सुरेश अय्यर अब यहाँ कैप्टन। सुरेश अय्यर पहली बॉल का सामना करने वाले हैं यहाँ पर, और भाई क्या स्टार्ट लिया है पहली बॉल पर आते के साथ ही चौका, जो काम कैप्टन को करना चाहिए वो यहाँ पर सुरेश अय्यर ने किया पहली बॉल पर चौका मारकर। भाई फील्डर कहाँ मौजूद, भाई फील्डर तेज भागो यार। और तीसरा रन ले रहे थे भाई, तीसरा रन ले लेते तो आउट हो सकते थे भाई यहाँ पर। भाई एक महंगा ओवर यहाँ पर हमको जो है पड़ा है, करण शर्मा अब आए, करण शर्मा हमारे साथ अब बॉलिंग पर आए हैं और टॉप स्पिन पहला बॉल डालते हैं भाई करण शर्मा के। पहली बॉल पर चौका, रिवर्स स्वीप खेला यहाँ पर नीतीश राणा ने। तो भाई राणा जी जो है यहाँ पर छा गए हैं शाहिद आफरीदी समझाने के लिए, पहले चौका पर ही समझाने के लिए आ गए कप्तान। और फील्डर मौजूद है लेकिन यहाँ एक रन आसानी से मिल जाएगा भाई। डॉट बॉल किया भाई यहाँ पर नीचे, डॉट और विकेट अगर हमें मिल जाएगी तो हम मैच जो है जीत सकते हैं। गुगली यहाँ पर डालते हैं भाई, गुगली से क्या अगर विकेट मिल सकता है सुरेश अय्यर को। एक रन यहाँ आसानी से बन चुका, दूसरे के लिए जा रहे थे मगर मना कर दिया भाई। एक एक रन अगर बनता है तो भाई सब हमें कोई वो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और भाई फील्डर मौजूद, एक रन यहाँ पर, कोई एक रन से हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। दूसरा तिरो लगना चाहता था तो आउट हो जाते भाई। ये कैप्टन शाहिन अफरीदी और भाई फील्डर मौजूद, अच्छी बॉलिंग, अच्छी बॉल, अच्छा बॉल, एक और अच्छा बॉल यहाँ पर, एक चौका खाया पहला, उसके बाद सारा बॉल डॉट ओवर अभी तक, अच्छा ओवर यहाँ पर। और भाई गेप में है शॉट, 4 रन, एक और चौका ओवर का भाई यहाँ पर। भाई बॉलिंग में थोड़ा सा चेंज लेकर आते हैं, यहाँ हम लेकर आते हैं दोबारा से, हम ले आते हैं एक ओवर कोहली से करवाते हैं, कोहली से हम करवा लेते हैं भाई एक ओवर, विराट कोहली वो हम बॉलिंग पर लेकर आए हैं भाई। और देखते हैं भाई कोहली भाई हमारे लिए क्या कुछ कर सकते हैं, कोई विकेट निकाल कर देते हैं कि नहीं देते। और भाई पहली बॉल लो बॉल यहाँ कर दी कोहली ने और लेग पर चौका, तो भाई बहुत ही बुरा स्टार्ट यहाँ पर। तो फ्री हिट यहाँ पर अंपायर का इशारा फ्री हिट का है, और तो भाई क्या करें, हम ओवर तो दे दिया है, पूरा करना पड़ेगा। और अच्छा डॉट, एज लगा था, अगर फ्री हिट ना होती तो आउट भी हो सकते थे सुरेश अय्यर। और भाई यहाँ एक फील्डर रखना पड़ेगा भाई, अब फील्डिंग को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। भाई दो चौके यहाँ पर लग चुके हैं अपन को, ये भाई कोहली वो दो चौके यहाँ मार दिए हैं भाई साहब, ये जो है अच्छा नहीं हुआ हमारे लिए ओवर, क्योंकि अब तक जो है टोटल 2 गेंदों के ऊपर। और भाई कैच हो तही होगा यहाँ पर, तो ये बॉल भी गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 3 चौके यहाँ पर सुरेश अय्यर ने लगाए हैं अब तक विराट कोहली को, जिसके जो है हमें यहाँ पर बहुत ही महंगा ओवर अब तक साबित होते हुए। कैच, 2 की कॉल थी मगर यहाँ मना किया भाई। ये स्कोर बहुत ज्यादा ओवर से ज्यादा हो चुका है, 4 बॉलों पर टोटल
अब तक 14 रन यहाँ पर विराट कोहली से हमने दे चुके हैं। सिलोवार अच्छी बॉल यहाँ पर। भाई सुरेश अय्यर ने जो है 4 चौके लगा दिए टोटल। कोहली भाई जो है नाखुश है, हमने गलती की यहाँ पर ओवर देकर उनको। भाई डगर को अगर ओवर दे देते हैं तो क्या विकेट लेकर दे पाएगा हमको, चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई। ओए भाई कदमों का इस्तेमाल यहाँ पर किया था लगर, मगर जो है बॉल को पूरा जो है कर नहीं पाया हिट, इसलिए हुए बीट। भाई फील्डर यहाँ मौजूद है, हमें कोई टेंशन नहीं है एक रन बनने की, इजीली यहाँ पर एक रन बनाइए। तो एक अच्छा ओवर अब तक, 2 बॉलों पर 2 रन। और भाई कदमों का इस्तेमाल, एज लगा, फील्डर मौजूद, क्या थ्रो मारा है भाई साहब, क्या थ्रो मारा है, डायरेक्ट थ्रो यहाँ पर मारा है भाई। अब तक अच्छा ओवर, 3 बॉल पर 2 रन, एक और डॉट। बहुत गुस्से में भाई फील्ड बैट्समैन को बॉल मार दिया यहाँ पर, बैट्समैन को ही बॉल मार दिया भाई। ओए होए होए, कैच होने के चांसेस हैं भाई, कौन है फील्डर मौजूद, 6। बहुत ही रिस्की था भाई शॉट, लग रहा जैसे था जैसे कैच हो जाएंगे, मगर बॉल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। ये देखे भाई गाइस, ये यहाँ पर बॉल गई बाउंड्री लाइन के बाहर, यहाँ पर फील्डर भी मौजूद थे मगर कैच की चांसेस बहुत ही कम थे। लेकिन यहाँ एक और चौका भाई, तो भाई बहुत 4 बॉल तक अच्छा ओवर था, लेकिन एक छक्के चौके ने जो है काफी यहाँ पर जो है निराश किया। और भाई अपील यहाँ मगर आउट नहीं है, रिवर्स स्वीप खेल रहे थे बट यहाँ पर बीट किया। एक और उड़ता हुआ शॉट, बॉल गई बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। तो भाई यहाँ पर 50 की पार्टनरशिप भी हो गई है भाई दोनों की, तो हम पार्टनरशिप भी ब्रेक नहीं कर पाए हैं। 22 गेंदों पे 26 रन, बहुत ही करीब लेकर आ गए हैं मैच को। तो यहाँ पर हमें विकेट चाहिए थी जो कि मिली नहीं। और रेज लगा था यार, डाइव मारनी चाहिए थी। ओहो अच्छी बॉल, कैच और एक और भाई चौका यहाँ पर लगा दिया, अच्छा कमबैक कर लिया था यहाँ पर, 3 बॉल डॉट करा दी थी मगर यहाँ पर चौके के साथ ओवर का इख्तिताम किए नीतीश राणा ने। वही ग्लेन मैक्सवेल एक ओवर के लिए ट्राई कर लेते हैं, ग्लेन मैक्सवेल को रिक्वायर्ड रन रेट जो है 6.67 पर आ चुका है, 18 गेंदों पर सिर्फ 21 रन चाहिए हैं, या तो इस ओवर में मैच पूरा हो जाएगा या तो हमें एक भरपूर एक बेहतरीन विकेट मिलने वाला है। और अच्छा फील्ड यहाँ भाई, एक बॉल को डॉट किया है भाई मैक्सवेल ने, भाई जितना डॉट कर सकेंगे हमारे लिए उतना फायदा होगा। और बोल्ड कर दिया, इतना बार की बॉल को खेलने लगे थे यहाँ पर, इनसाइड एज हुआ और बोल्ड कर दिया भाई मैक्सवेल ने पहला विकेट, 33 रन, 1 छक्का, 5 चौकों की मदद से भाई सुरेश अय्यर अच्छी बैटिंग यहाँ पर खेलते हुए। एंडर रसल अब आए हैं भाई सामना कर,
भाई एंडर रसल यहाँ पर आ गए हैं अपनी बारी की शुरुआत करने के लिए। मैक्सवेल, ओए वो एज लगा था भाई, यहाँ पर डाइव मारनी चाहिए थी फील्डर को। तो भाई अच्छी बॉल, 3 बॉल पर केवल 1 रन और 1 विकेट मैक्सवेल यहाँ पर ले चुके हैं। नीतीश राणा अब सामना करेंगे मैक्सवेल का, और भाई फील्डर यहाँ तेज भागना पड़ेगा मगर नाकाम रहे बॉल को रोकने में। तो भाई गाइस एक चौका यहाँ पर मार दिया नीतीश राणा जो है अब तक ओपनिंग में अच्छे खेलते हुए। मैक्सवेल लोग एक और चौका भाई, बहुत ही खूबसूरत वाला किस्म का शॉट कदमों का इस्तेमाल करते हुए नीतीश, बस कर जाओ कैच और एक और चौका भाई। 13 बॉलों पर 12 रन चाहिए थे जो कि अब 8 रन पर आ चुके हैं। सिर्फ 12 गेंदों पे 8 रन यहाँ चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी द कैप्टन, कम भाई यहाँ पर रसल ने भी शुरुआत कर दी है बाउंड्री से ही अपना जो है शाहीन शाह अफरीदी का स्वागत किया। टोटल अब 4 रन चाहिए हैं हमें जो हो डिफेंड करने के लिए, वो 10 बॉल हमारे लिए बाकी हैं मगर डिफेंड करना जो है यहाँ पर बहुत ही मुश्किल। और एक और चौका और जनाब मैच जो है इख्तिताम की तरफ हो गया है। KKR जो है बआसानी जो है RCB से एक मैच जीत गई है, वो भी 8 विकेट के बड़े मार्जिन से। तो यहाँ पर एक गलती ये हुई है कि हमें जो है ना टॉस जीत कर पहले जो है ना वो बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी, जिसके कारण जो है ना हम मैच हार गए। तो भाई ये यहाँ पर स्कोर कार्ड फाइनल आ चुका है जो हम मैच हारे हैं। तो गाइस मिलते हैं अगले मैच में, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।